हेलो जी, कैसे हैं? आपसे बात करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में छोला और चावल, और कुछ नहीं बनाऊँगी, जैसे छोले और चावल बनाऊँगी। आज संडे है तो संडे के दिन बच्चे ऐसे ही खाते हैं, जैसे छुट्टी होती है उसी दिन अच्छे से खाना खाते हैं, छोले और चावल खाएंगे। तो उसके लिए मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं और यहाँ चढ़ा दिया छोंकर, साथ में चढ़ा दिए हैं चावल और टमाटर मैंने पीस लिए हैं। जैसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता पैर से, तो फिर मैं ऐसे ही तैयारी करके छोड़ के फिर बनाती हूँ खाना। जैसे तैयारी कर दी, फिर आराम कर लिया थोड़ी देर, फिर खाना बनाती हूँ। तो छौंक गर्म हो गया था, इसमें हींग और जीरा डाल दिया है मैंने। कैमरा से थोड़ा सा दूर लगा है जैसे फ़ोन, तो वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पास में फिर पकड़ने वाला नहीं है, तो फिर दूर से ही दिखाई देता है। तो ये फिर मैंने पीस के रखे थे टमाटर डाल दिए, ऊपर से डाल देती हूँ मसाला, हल्दी, नमक, जीरा, जैसे यही डालते हैं मसाला, 3-4 हल्दी होती है, धनिया पाउडर, नमक, तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और चावल भी बीच में मैंने चेक किए हैं, अभी बने नहीं है। थोड़ा सा पानी जैसे बॉईल होने लगते हैं तो पानी ऊपर आता है तो फिर निकलने लगता है, तो इसलिए मैंने उसको चेक किया। और जाली वाले प्लेट लगा रखी है मैंने ऊपर, जैसे ढक देते हैं तो पानी निकलता है, तो उसको मैंने जाली वाले प्लेट लगा रखी है, अब नहीं निकलेगा। तो सारे मसाले डाल के मैंने अच्छे से पका लिए हैं और छोले भी पक गए थे अच्छे से। और अभी इस मसाले को पका लेती हूँ 2-3 सेकंड के लिए। तो मसाला पक गया था, उसके बाद डाल दिए मैंने छोले। छोले डालने के बाद मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो चावल के साथ बनाने हैं तो ज़्यादा तरी वाले नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है इसमें। इसके बाद लगा देती हूँ इसका ढक्कन, जैसे ढक के और 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे तो बन के तैयार हो जाएंगे, ढक देंगे, जैसे एक बॉयल आ जाएगा तो फिर सिम कर दूंगी। सिम करने के बाद इसको फिर मैंने एक बार फिर चावलों को चेक किया, अभी बने नहीं हैं, थोड़ी सी कचरा है, सिम करके रखे हैं। इतना मैं कर लेती हूँ, जैसे बर्तन रखे हैं, बर्तन जैसे यहाँ से अभी चले जाऊँगी तो फिर ये जैसे बीच में चेक करने होते हैं, तो इतने जितने बर्तन रखे हैं जो निकले हैं इसी के, तो वो साफ कर देती हूँ साथ साथ में। तो जैसे मेरी YouTube फैमिली ने काफ़ी वो अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे कि जल्दी ठीक हो जाएगी, तो आपकी दुआ लगी है, उंगली जैसे जुड़ गई है, बिल्कुल सेट हो गई है। मैंने एक्सरे करवाया था दोबारा, तो आप सभी को थैंक यू, क्योंकि काम करती रही हूँ मैं जैसे साथ साथ, तो सूजन तो रहता है, अभी भी रहता है और पट्टी भी खुल गई है, तो सूजन तो है, फुल आराम नहीं है अभी। जैसे बीच बीच में खड़े खड़े जैसे पैर को ऊपर रखते हैं, एक पैर के ऊपर खड़ी रहती हूँ जैसे ज़्यादातर, या एड्डी के ऊपर जैसे एड्डी के तान खड़े रहना पड़ता है, तो साथ में सोचती हूँ जैसा जितना हो जाए उतना कर लेती हूँ, फिर जैसे आराम करूँगी खाना, फिर बच्चों को बाद में डालूँगी, थोड़ा सा पहले बना के रख दूँगी, फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, बर्फ़ से सेकूँगी और फिर उसके बाद बच्चों को डालूँगी खाना। बच्चे अभी अपना कर रहे हैं काम, तो इसलिए जितना जो होता है मैं साथ साथ निपटाती रहती हूँ। किचन का काम है, जो बाहर का है जैसे करती हूँ, और झाड़ू पोछा मैं करा लेती हूँ, मैं खुद से नहीं होता है अभी इतना, और कपड़ों वाली मशीन है तो कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, तो धीरे धीरे हो जाता है। अभी और लगेंगे 10-15 दिन, तो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी बिल्कुल। तो बर्तन मैंने सारे कर लिए हैं, उसके बाद मैं फिर चेक कर लेती हूँ छोले और चावल को। चावल बनने के लिए जैसे थोड़ी सी कसर थी इसमें पानी, जैसे 2 1 कटोरी चावल डालते हैं तो 2 कटोरी पानी डाल देते हैं, तो पूरा पानी रहता है, सिम करके धीरे धीरे बनते रहते हैं, तो बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं, जैसे फुल पर नहीं पकाते और सिम करके छोड़ देते हैं, तो 2 कटोरी डबल पानी से बहुत अच्छे पक के तैयार हो जाते हैं, खुले खुले चावल जैसे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चावलों को मैंने किया है चेक, चावल बन के हो गए हैं तैयार। थोड़ा सा जैसे नीचे पानी सा रह गया है उसको 2 सेकंड के लिए और चलना है, तो उसके बाद कर दूंगी चावलों को बंद।
तो 2 मिनट हो गई, हमने चावलों को फिर से चेक किया, थोड़ा सा नरम जैसे रह गया था पानी इसमें। बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, जैसे पानी रह जाता है तो टेस्ट नहीं आता, तो मैंने इसलिए पानी बिल्कुल सुखा दिया और गैस को कर दिया मैंने बंद। और छोले बन के भी तैयार हो गए हैं, छोलों को भी कर देती हूँ बंद और ऊपर से डाल देती हूँ जैसे, तो गैस कर दिया मैंने छोलों का भी बंद। और एक नींबू लिया है, इसमें डाल देती हूँ नींबू का रस, तो टेस्टी छोले हो जाएंगे। तो आज छोले चावल ही दूंगी बच्चों को, रोटियां नहीं बनाई हैं साथ में मैंने, क्योंकि फिर इतनी देर पैर से खड़ा नहीं रहा जाता, तो छोले चावल ही खा लेंगे बच्चे, खुश होके खाते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रह गया था तो अभी मैंने फुल किया है थोड़ा सा, जैसे आज इसमें सिम कर दिया था मैंने बॉयल होते समय, तो इसको फिर मैंने फिर गैस को चलाया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी रह गया था, तो इतना पानी वाले तरी वाले छोले बच्चे नहीं खाते, चावलों के साथ वैसे भी नहीं खाएंगे, तो थोड़े से मैं और चला लेती हूँ। इतना निकाल लेती हूँ रस नींबू का, एक नींबू का रस डाल देती हूँ, तो खटाई अच्छे से हो जाएगी। इतना ज़्यादा रस नहीं निकलता है नींबू में, जैसे हरे नींबू हैं तो ज़्यादा रस नहीं निकलता है इनमें, पीले पीले नींबू आते थे अब तो वो नहीं आते हैं, जैसे हरे वाले हैं जो लगे हैं छोटे वाले नींबू। तो फिर मैंने इसको फुल करके गैस को और चेक किया है, तो पानी कुछ कम हो गया है, तो गैस को कर देती हूँ बंद और ऊपर से डाल देती हूँ नींबू का रस, एक नींबू का रस, बड़ा नींबू था उसका रस मैंने डाल दिया है इसमें। तो अब दोनों चीज़ों को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ और थोड़ा सा कर लेती हूँ आराम, फिर लगाती हूँ बच्चों के लिए खाना, क्योंकि पैर में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खड़े खड़े। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने आराम किया, आराम करने के बाद आ गई हूँ खाना डालने बच्चों को। 12:30 हो गए हैं, खाना खाने के टाइम हो गया बच्चों का, तो बच्चों को लगा देती हूँ थाली खाने की। तो छोले डाल दिए हैं, दही डाल दिया है और साथ में डाल देती हूँ चावल। चावल के साथ शक्कर या बूरा थोड़ा बहुत खाते हैं बच्चा, मीठा भी होना चाहिए और चावल के साथ भी, सॉरी छोला के साथ भी खा लेते हैं, पर थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाते हैं बच्चे चावल के साथ में। तो इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी, पहले खीरा काट देती हूँ, फिर थोड़ी शक्कर डाल देती हूँ, जैसे बेटा शक्कर खाता है और बेटी बूरा खाती है, तो दोनों को अलग अलग खाते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने थाली, तो इसमें डाल देती हूँ शक्कर, साथ में ही डाल देती हूँ कटोरी में डालती हूँ, तो फिर उसमें मिलाया नहीं जाता अच्छे से। मीठे खाने होंगे तो मीठे खा लेंगे और मीठा के साथ, और जैसे छोले के साथ खाने होंगे तो छोले के साथ खा लेंगे बच्चे, बच्चों के अलग अलग पसंद होती है खाने में। तो ऊपर से डाल दिया मैंने घी और खाना लग के हो गया तैयार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।